मैंने सोचा धूप में इसके रिजल्ट्स दिखाए जाएं, ज़्यादा विजिबल होंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डीप कंडीशनरिंग करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ही क्विक एंड सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रेस्मे का कंडीशनर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बालों को आपने गीला करना है इस तरह से लेंथ की साइड से, और पार्टीशन कर लें तो ईजीली अप्लाई हो जाएगा। ये मेथड जो है बहुत ही क्विक एंड सिंपल सा है, जो कि मैं मंथ में एक दफ़ा लाजमी डीप कंडीशनरिंग करती हूँ। अगर आपके वर्जिन हेयर हैं तो आप इसको 10 मिनट के लिए मैक्सिमम लगा सकते हैं, और अगर आप डाई लेते हैं या स्ट्रिक्स लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए इसको अप्लाई करना है बालों में, गीले बालों में इसको लगाना है। बाल इतने गीले हों कि पानी टपक ना रहा हो, बस गीले होने चाहिए नॉर्मल। और आपने इस तरह लगा के हल्का हल्का प्रेस भी करते जाना है, और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेना है। ये आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज कर देता है। मोस्टली जो लोग कॉइलिंग से भागते हैं ना, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है जो कि फटाफट कर सकते हैं। हेयर मास्क लगाना तो बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि मैं महीने में एक से दो बार कोई ना कोई हेयर रेमेडी भी ज़रूर अपने बालों में ट्राई करूं। बट ये जो डीप कंडीशनरिंग है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर आप जल्दी में हैं तो बस आपने थोड़ी देर के लिए लगाया और आपने आपके बाल बिल्कुल वैसे ही इस तरह के हो जाते हैं जिस तरह कोई बहुत ज़बरदस्त आपने कोई हेयर ट्रीटमेंट लिया हो। और इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है, कम नहीं लेना, ज़्यादा ही लगाना है। जो आपका स्कैल्प है ना, उससे 1 से 1.5 इंच नीचे आपको लगाना है। रूट्स पे नहीं लगाना, स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ लेंथ पे लगाना है। और लगाकर उसको हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएं। हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे हो कि इतने ज़्यादा बालों में केमिकल लगाना ठीक नहीं है, बट ऑनेस्टली ऑन एंड ऑफ आप केमिकल्स यूज़ कर ही रहे होते हैं, शैम्पू भी यूज़ करते हैं या आप कोई हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अगर आप महीने में एक दफ़ा इस तरह डीप कंडीशनिंग कर लेंगे तो आपके बाल अच्छी खासी हेल्दी हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए ना, तो उसमें जो डलनेस है ना, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। डीप कंडीशनिंग से पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से डिटैंगल करना है, सुलझाना है। किसी मोटे दाने वाले जो ब्रश होते हैं ना, उससे आप कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेयर फॉल से कम होगा। वरना अगर आप डायरेक्टली कोई भी मास्क या कोई रेमेडी अप्लाई करते हैं बालों में, बालों को सुलझाए बगैर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम हेयर फॉल हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनका ख्याल रखें तो उसके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं तो फिर वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये ऑलमोस्ट सारा लग ही चुका है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बालों में लगे रहने दूंगी, क्योंकि मैं स्ट्रिक्स लेती रहती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसको लगाना पड़ेगा। जिन्होंने अपने बालों में कभी भी कुछ नहीं करवाया है, बिल्कुल फ्रेश हेयर हैं, वर्जन हेयर हैं, तो वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए लगाएं। और आफ्टर 20 मिनट्स मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया नॉर्मल टैप वाटर से, गर्म पानी से नहीं धोना है। तो मैं आपको धूप में इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, बाल जस्ट वैसे ही मैंने टॉवल से निकाले थे और हाथों से ही मैंने हल्का हल्का कॉम किया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आप इस डीप कंडीशनिंग मेथड को ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही क्विक सा मेथड है, जिससे जो लोग बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है जिन लोगों को कोई भी रेमेडी करने में, तो वो इनके लिए तो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। चल दें, खुदा हाफिज़।